वापस एक बार मेरे भाई ने मंगवाया है चीपेस्ट गेमिंग सेटअप ऑनलाइन, और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग उसको कंपेयर करेंगे इसके ही एक एक्सपेंसिव सेटअप के साथ, ताकि पता चलना चाहिए भाई कि चीप वाला इतना सस्ता होके कितना खतरनाक है। ओके, ये है अपने पास यहाँ पे बड़ा सा बक्सा, इसमें सब कुछ लिख लिया, और मैंने पहली अपनी गेमिंग वाली गुड़िया है। एक्चुअली ये काफी दिनों से आके पड़ा है, क्योंकि हम लोग नहीं दे, चार ही दिन हुए और तबियत खराब थी, इसलिए ये पड़ा है ऐसे ही आके। चल भाई, लिटरली बोलता हूँ कोई आइडिया नहीं मुझे इसको खोलना भी कौन से साइड से। इस बार बाहर से आया काफी सारा बबल गम, लेकिन लो क्वालिटी का है। ओके, लेकिन ये पूरा का पूरा सेटअप आ जाता है इसमें। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कीबोर्ड, देन नेक्स्ट मुझे शायद ये मॉनिटर दिख रहा है, देन ये वाला बक्सा इसमें दिख रहा है पीसी। गाइस ये बक्सा है ना, पीसी का है ही नहीं, कुछ लाइट का वगैरह दिख रहा है, इसलिए गाउटी मेथड से यहाँ पे लाइक स्पेसिफिकेशन लिखाई गई है। आई थिंक 16 GB रैम है, 512 GB। भाई क्या है, 2 GB का GPU, वाईफाई भी इसमें। हेलो, पावर केबल छोटा सा यार काम। पैकेजिंग खतरनाक है भाई। अच्छा, पहले मुझे लगा कि ये कोई अलग टाइप का बॉक्स है, लेकिन ये एक्चुअली इस कैबिनेट का ही है, मैंने कभी नाम नहीं सुना था इसलिए अजीब लगा। ये है अपना पीसी दोस्त, वो दिखता है नॉर्मल सा है एंड एक्चुअली लाइट वेट है। So, ये इतना सेटअप मिलके 18,000 का पड़ा है, सबसे सस्ता वाला लगभग ढूंढा था मेरे भाई ने, प्लस इसमें कुछ और चीजें भी है। गाइस माउस पैड भी मंगाया मेरे भाई ने, प्लस वाईफाई का भी ये मंगाया एडाप्टर, लेकिन इसमें पहले से ही लगा है, और इसमें है वो एक्चुअली काफी कूल दिखने वाले हेडफोन्स Zebronics के। ओके, ये खतरनाक सा एक वेबकैम भी है, सेटअप पूरा होगा अपना। अभी ये टोटल पड़ रहा है लगभग 20,000 का। गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अपना जो कैबिनेट है, इसके अंदर मुझे देखना है क्या क्या है। ठीक है, पहले खोला तो इसको, लेकिन ओके ठीक है, ये कौन सा ग्राफिक कार्ड है कुछ आइडिया नहीं आ रहा है मुझे, ये अपने को पीसी चालू करके देखना पड़ेगा। देन रैम थोड़ी सी ये वाली है जिसपे कुछ शील्डिंग नहीं है, प्लस यहाँ पे देखो 512 GB की एक SSD भी लगी है, सही बात है ये भी। सामने से क्या है, अच्छा सामने से मस्ती, यहाँ पे लाइट है वो भी चमकेगी। ये कितने वैट का PSU ठीक से दिख नहीं रहा है मुझे कहीं पे, एंड ऑब्वियसली इंटेल का कोई पुराने जनरेशन का CPU लगा है खतरनाक सा। अभी हम लोग पूरे सेटअप को असेंबल कर लेंगे, शायद इस पे कर लेता हूँ और हो जाएगा अपना काम। ओके, पहले आता अपना मॉनिटर, ओ भाई क्या खतरनाक लोगे, HDMI केबल तक दिया है साथ में। अभी अपने पास कीबोर्ड माउस कॉम्बो। ओके, नेक्स्ट है अपने पास भाई यहाँ पे ये हेडफोन्स, वो एक्चुअली काफी कूल दिख रहे यार। एक बात बताओ, सस्ते वाले हेडफोन और सस्ते वाला माउस रहता ना सबसे बेस्ट दिखता है, दिखता है एक्चुअली ये बहुत सॉफ्ट है यार। स्ट्रीमर भी बन सकते हैं हम लोग शायद से, अगर वेबकैम लगाऊंगा तो। 720p 480p कुछ पता नहीं चल रहा है, 480p का वेबकैम है ठीक है, 30fps। कैसा हो गया अपना पूरा का पूरा सेटअप, रेडी है, पावर ऑन भी है, एंड अभी हम लोग इसको चालू करते हैं, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ओके, 3, 2, 1, पीछे से देख, पीछे से। थ्री टू वन, आवाज आता, आवाज आता है, ये चमक नहीं रहा है, आवाज आ रहा है इसमें से, अब चमकने लग गया थोड़ा। ये देखो मॉनिटर भी अब तक चालू हो गया, अभी ओ विंडोज 11 के साथ
अपने पास i5 सेकंड जन 2320 3 GB रैम है 16 GB की, लेकिन DDR3 होगी शायद से DDR3 ये, बट डिस्क ओके 512 GB की SSD, भाई खतरनाक। तो ये है अपना 20,000 वाला सबसे सस्ता गेमिंग PC सेटअप, और इसको आप लोग कंपेयर करने वाले हैं ये 7 लाख वाले गेमिंग PC सेटअप के साथ, जो कि दोनों भी मेरे भाई के टेक्निकली। यही जीतेगा, मेरा ही जीतेगा। देखो दोनों भी तेरे ही है, एंड जीतने में ऑब्वियसली किसी को भी अक्कल है भाई कि इतना महंगा है तो जीतते तो वाला है, लेकिन अपने को देखना है कि जो सस्ता वाला है वो कितना टिक सकता है इसके अगेंस्ट, क्योंकि अगर उसमें GTA 5 चल भी गया तो बहुत खतरनाक चीज है उस प्राइस पे। गाइस मैं देख रहा हूँ कि ये लाइट कैसे चालू होगी, और शायद से मुझे पता नहीं या फिर क्या, पर ये चालू नहीं होगी यहाँ पे। लाइक यहाँ पे बटन भी दिख रहा है मुझे, दबा के रख रहा हूँ मैं, कुछ हो नहीं रहा इससे। इस बटन से होगा कि क्या लगता है? नहीं वो रिस्टार्ट है रे भाई, रीसेट हो गया गलती से। शाबाश भाई साहब, इस पर लिटरली वाईफाई भी पहले से इन लोगों ने दिया, लाइक पीछे से एक डोंगल लगाया छोटा सा वो दे दिया भाई, खतरनाक चीज। लिटरली बोलता दोस्तों, इसके प्राइस का जब मदरबोर्ड लेते लाइक 20,000 के ऊपर का, तब आता है उसके साथ वो वाईफाई वाला चीज। ये देखिए वाला सेटअप है, ये वाला सेटअप है हम लोगों ने लिया हुआ एग्जैक्टली। एंड भाई ये मॉनिटर तो भाई लेटर बताओ, कीबोर्ड भी बहुत अलग दिख रहा है, बस इधर लाइट भी नहीं चमक, भाई क्या सीन, क्या लाइट भी नहीं चमक रही है वाली, पैसा गया। रुक हम लाइट का देख लेंगे, अभी जुगाड़ करता लाइट। ओके इसके अंदर हम लोग को एक लाइट स्ट्रिप तो दिख रही है, बट इसका कनेक्शन कहाँ पे वो नहीं दिख रहा है मुझे, ऑनेस्टली ठीक है, आई थिंक इसके पीछे कहीं पे होना चाहिए। ओके गाइस थोड़ा गांवठी टाइप से इस लाइट का कनेक्शन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, पर ये चल क्यों नहीं रहा है वो नहीं समझ रहा मुझे, आई थिंक शायद से ये खराब हो गई है, पॉसिबिलिटी है खराब होने की। गाइस देखो अभी हम लोग टेस्ट कर दे कि इसको चालू होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, आ गया 3 2 1 गो। ओके भाई लिटरली 1 मिनट के अंदर ही आराम से चालू हो गया, वैसे ये मॉनिटर थोड़ा ज्यादा हिल रहा भाई, 20 सेकंड में ये चालू हो गया लिटरली बोलता हूँ, और बहुत खतरनाक चीज है क्योंकि इसके अंदर SSD है। हम लोग क्या करते हैं कुछ नॉर्मल चीजें इस पे चला के देखते हैं, मतलब कि पहले तो गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम के कितने सारे हम लोग टैब्स खोल सकते हैं इस पर, देखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टैब्स खोले अभी, देखना मुझे इस पे यूट्यूब चालू होगा क्या, ठीक है। ओके क्या मतलब भाई, डेट एंड टाइम इसमें अपडेट नहीं किया भाई, सीरियसली वेट ये देख बाय डिफॉल्ट 2037 भाई साहब कस देखकर नहीं बोलता हूँ, यूट्यूब चल रहा है 100 टैब्स ओपन होने के बाद भी है पावर है इसमें, ठीक है, क्यों हिला डाला ना। देखो गाइस इसमें हम लोग GTA 5 चला के तो देखने वाले, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीजें ट्राई करनी है मुझे, जैसे कि यूट्यूब 4K में चलता है क्या, तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इसमें ओपन होते क्या, चलो एडिटिंग शायद से पॉसिबल नहीं है बट ओपन होते क्या वो देखने हैं अपने को, बाकी सारी चीजें भी चेक करेंगे कि भाई क्या आप इससे यूट्यूबर बन सकते हो, लाइक रिकॉर्डिंग वगैरह पॉसिबल है क्या, कोई 4K वीडियो हम लोग इसमें टेस्ट करते हैं पहले, ठीक है। चाहे आप लोग 7 लाख का PC, चाहे आप लोग 20,000 का PC, YouTube कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, सबको ऐड दिखाएगा। This is business. अभी हम लोग इसको 4K में लेके चलते हैं, ये 1080p then 4K। भाई फटा नहीं एक्चुअली, बट एक्चुअली यहाँ से आवाज थोड़ा बढ़ गया है। वेट लेकिन 4K में प्लेबैक हो रहा है सही से। ए, कुछ आवाज आया इसमें से, ऐसा आवाज आया नहीं, लेकिन चल रहा है अटक रहा है थोड़ा थोड़ा, आवाज आ रहा है इसमें से, टेबल का आवाज ठीक है, टेबल का ठीक है। बाकी आई थिंक जो लैग होता है ना वो शायद इंटरनेट, इसका जो डोंगल लगा है ना वो इंटरनेट शायद इसका स्लो है इसलिए हो रहा है, वरना तो खतरनाक चल रहा है प्लेबैक, लाइक हो रहा है प्ले हो रहा है 4K वीडियो। और इस वाले में देखो मेरे भाई ने पहले से 4K वॉलपेपर चला दिया था, लाइक लिटरली ये जो वीडियो है ये 4K में प्ले हो रहा है बस बैकग्राउंड के लिए, मतलब इसमें ऑब्वियसली पावर तो है, दो मॉनिटर चला रहा है इस वाले में, लेकिन 4K वीडियो भाई डेंजर चल रहा है, लाइक एकदम आराम से चल रहा है, कोई सीन नहीं है, एकदम सही से चल रहा है भाई,
मॉनिटर है भाई खतरनाक है, बट उस वाले का भी मॉनिटर भाई प्राइस के लिए बहुत खतरनाक दिख रहा था। इस वाले पीसी के अगर मैं स्पेक्स आपको बताने जाऊंगा बहुत ज्यादा ओवरकिल हो जाते हैं। जैसे कि सीपीयू आता है इसमें i9 11th generation 11900K, मतलब भाई इंटेल का 11 जन का बेस्ट वाला। देन रैम आती है 64GB की DDR4 एंड भाई डिस्क की इसमें दे भाई इसमें डिस्क की इतनी सारी है ना, सीरियसली बोलता हूँ एक एक दो दो टीबी कैसे SSD से सारी, ठीक है। एंड प्लस जो GPU वो है RTX 3080 Ti, देखते मैं एक्चुअली खतरनाक दिखता है ये पूरा का पूरा पीसी, बट ये कुछ ज्यादा ही महंगा है। लाइक लिटरली इसके शायद से फैंस के प्राइस में या फिर रैम के प्राइस में ही आ जाएगा दूसरा वाला पीसी। रैम के शायद एक स्टिक के प्राइस में आ जाएगा। गाइस फाइनली बहुत टाइम के बाद लिटरली 2 घंटे मैंने यहाँ पे वेस्ट कर लिए एंड फाइनली ये लाइट चालू हो गई अब भाई। देखो कितनी कूल दिखती है, देखो अलग अलग कलर्स मल्टी कलर का भी है, एक्चुअली कूल दिखता है, ठीक है एक्चुअली कूल दिखता है। अंदर का एक फैन भी बनता है, वो भी मैंने चालू करवाया, ठीक है। लेकिन इसका ये जो USB 3.0 वाला पोर्ट है, लाइक ये जो फास्ट वाला USB पोर्ट है वो सही से काम नहीं करता, अंदर से कुछ केबल लूज है, तो मुझे क्या करना पड़ा यहाँ की SSD निकाल के दूसरे PC को कनेक्ट करके वहां से गेम इसमें इंस्टॉल करना पड़ा है, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे GTA 5 लॉन्च करके देखते वाले एंड ये देखो लॉन्च हो गया GTA 5, फटफट करके देखते हैं, ठीक है भाई। मुझे लगता है शायद से ये चालू हो सकती है, ठीक है। अपडेटिंग रॉकस्टार लॉन्चर इसमें FPS कितना था वो देखना मुझे अगर चालू होता है तो गेम। बाकी देखो जो नॉर्मल सी गेम्स है लाइक माइनक्राफ्ट वगैरह ये ऑब्वियसली इसमें चल जाएगी भाई। मेरे 7000 के हम लोग के डब्बा PC में चल गई थी जो हम लोग ने ऐसे ही बनाया था, उसका वीडियो भी आप देख लेना भाई। यहाँ पे GTA के अकाउंट में लॉग इन करने के लिए ये मुझे पूछ रहे मैं इंसान हूँ क्या भाई, ये ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे। The next day. Guys, finally, एक दिन मेहनत करने के बाद कैसे वैसे मैंने स्टार्ट कर लिया इसमें GTA 5, लेकिन अभी तक हम लोग गेम के अंदर नहीं गए। गेम के अंदर जाकर मुझे देखना। वैसे गाइस ये वाले ना हेडफोन्स को ज्यादा अच्छे से चमक रहे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, लेकिन अभी कुछ पीछे से आवाज आया मुझे अजीब सा। गाइस लिटरली स्टार्ट हो गई गेम और ये फर्स्ट मिशन अपना, ठीक है ओके भाई कैसे चल रही। ओ लिटरली बोलता हूँ गाइस एकदम स्मूथ चल रही है, लोवेस्ट ग्राफिक पे है ऑनेस्टली बोलता हूँ, बट एकदम स्मूथ चल रही है। गाइस अभी धमाके करने वाले हम लोग भाई, सीरियसली चल रही है गेम सही से, कुछ ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है। अभी हम लोग ना सेटिंग चेक करते हैं इसकी, क्या सेटिंग्स क्या भाई। ओके सेटिंग्स तो आई थिंक लोवेस्ट पे है, लगभग लोवेस्ट पे लगी, ठीक है। गाइस तो अभी लोवेस्ट पे लगाया मैंने, लेकिन ये मॉनिटर बन चालू हो रहा है, ये काफी बार ग्राफिक्स ड्राइवर का भी इश्यू आ जाता है रिस्टार्ट करने बटे। अबे यार बस भाई बस, अरे क्या हो रहा है ये लो। ओके अरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। ओके एक्चुअली थोड़ा सा भी मैंने रिजोल्यूशन बढ़ा दिया है तो अभी FPS 30 के नीचे गया भाई, अभी प्लेबल नहीं बचा एक्चुअली, तो लोएस्ट रिजोल्यूशन भी लगाना पड़ेगा तभी प्लेबल है, वरना तो भाई ऐसे हालत हो गया इसका, शायद इसका ग्राफिक कार्ड उतना पावरफुल नहीं। ओके सर यहाँ पे भी अब तक GTA 5 खेल के देखने वाले, ऑब्वियसली मुझे तो पता है अच्छे से चलेगी, लेकिन स्टिल खेल के तो देखना बनता है दोस्तों इस वीडियो के लिए। भाई दो मॉनिटर पे चला रहे हैं लाइक दो गेम नहीं है बस दो मॉनिटर पे चल रही है सही से, एंड गेम तो भाई ऑब्वियसली हाईएस्ट सेटिंग पे 60 FPS प्लस पे चल रही है। GTA एक ऐसी गेम है ना जो लाइक बहुत हाई FPS पे नहीं चलती, 200 के ऊपर तो कोई भी PC में नहीं चलती, सो 120 के ऊपर नहीं जाती आई गेस, काफी रेयर है 120 के ऊपर जाना हाईएस्ट सेटिंग। इसका सेटिंग्स में दिखा देता आपको, ऑब्वियसली ये देखो यहाँ पे फुल लाइक सब कुछ ऑन है, सब कुछ फुल है, वेरी हाई अल्ट्रा पे सब कुछ, इवन जो एडवांस सेटिंग्स रहती है ठीक है एडवांस सेटिंग्स ये भी सब कुछ ऑन है इसमें। अभी हम लोग खेलने वाले इसमें माइनक्राफ्ट, लेकिन ये विंडोज वाला एडिशन है लाइक बेडरॉक एडिशन है जो हाईली ऑप्टिमाइज होता है। ओके माइनक्राफ्ट अभी गाइस हम लोग चला के देख रहे हैं इसमें, एंड आई गेस माइनक्राफ्ट सही से चल रही है, लाइक लिटरली क्या होता है पता नहीं चल रहा है मुझे, बट थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में ही ये मॉनिटर बंद हो रहा है, ये होता है कभी कभी, एनवीडिया का इश्यू आ जाता है ड्राइवर्स के साथ, बट वैसे तो भाई चल रही है लाइक एक्चुअली प्लेबल है, 60 FPS नहीं तो 50-40 FPS में तो आराम से चल जाएगी ये गेम, तो गेमिंग करने के लिए सही है ये। अब क्या हो रहा है सही से हो ही नहीं रहा भाई। ओके
मतलब है भाई, काम चलाओ ये गेम, काम चलाओ ये, थोड़ी थोड़ी चल सकती है, उसका कुछ सीन नहीं है। मुझे ना इसमें परफॉर्मेंस की कम नहीं लग रही है, लाइक परफॉर्मेंस सही दे रहा है यार प्राइस के हिसाब से, बट एक चीज मुझे सही नहीं लगी, लाइक बिल्ड क्वालिटी इसके ना लाइक काफी सारी चीजों की अच्छी नहीं लग रही है, लाइक चल तो जाएगा लेकिन कब तक चलेगा उसका पता नहीं। कीबोर्ड में भी अपने पास आ जाती है आरजीबी लाइट्स, देखो यहाँ से बंचाल हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भाई हम लोग खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट शेडर्स के साथ, एकदम लाइक हाईएस्ट ग्राफिक्स आप जिसको बोल सकते हो वो है इसमें, एंड ऑब्वियसली जावा लाइटेशन है ये, एंड एकदम स्मूथ चल रहा है, सिर्फ चलना भी चाहिए, नहीं चलता तब इश्यू आता। मजा आ रहा है यार इसमें भी खेलने में, मजा आ रहा है, गेम तो गेम होती है भाई, किस पे भी खेलो मजा आना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। माइनक्राफ्ट एक हाई यार, लेकिन ये देखो भाई शेडर्स में वगैरह है ना लाइक हाई ग्राफिक्स पे, ये बात है कि भाई खेलते खेलते एक जगह रुक जाता है इंसान और सोचता है भाई क्या मस्त दिख रहा है सब कुछ। गाइस अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप इस पे रिकॉर्डिंग एडिटिंग वगैरह ये चीजें कर सकते हो क्या। रिकॉर्डिंग में तो ऑनेस्टली बोलता हूँ आप गेम प्ले और फेस दोनों एक साथ रिकॉर्ड करना तो बहुत मुश्किल जाएगा, बट शायद से ये देखो ये भाई एक्चुअली ना बहुत अच्छा लग रहा है ये वेबकैम, लाइक उस हिसाब से तो बहुत लाइक क्या बोलते क्वालिटी सही दे रहा है, 480p की क्वालिटी इसके, बट दिखने में सही सही सा लग रहा है, अगर लाइट सही से डालेंगे सामने से और भी खतरनाक लगेगा। थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड करके देखता हूँ। हेलो हेलो दोस्तों कैसे हो, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो माइक भी चल रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, अरे माइक भी चल रहा है यार, सही बात है, इधर से माइक है इसको। हेलो हेलो हेलो, सब सही है ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ इसको हम लोग एडिट करके देखते हैं। सर इस पे मैंने प्रीमियर प्रो इंस्टॉल किया, लेकिन इन लोगों ने मुझे नया वाला प्रीमियर प्रो यहाँ पे एडिट करने अपना इंस्टॉल करने नहीं दिया, एंड यहाँ पे कुछ तो आया है बट पता नहीं मुझे, चलते है इश्यूज है लेकिन हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते उनको। इन लोगों ने नया वाला प्रीमियर प्रो मुझे इंस्टॉल नहीं कर दिया पुराने वाले वर्जन पे। हम लोग प्रीमियर प्रो चालू तो हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है हम लोग अभी इस पे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके वीडियो इम्पोर्ट होता है क्या पता नहीं भाई, 720p 30fps का वीडियो ये। ओके एक्चुअली मैं यहाँ पे भाई 720p एडिटिंग आई थिंक इसमें पॉसिबल है, लाइक इजीली हो सकती है, लाइक प्लेबैक वगैरह हो रहा है तो बेसिक एडिटिंग तो आराम से हो जाएगी इसमें, मुझे लगा भी नहीं था ये पॉसिबल है। अभी देखना फोटो एडिटिंग होती है क्या। ओके सो गाइस यहाँ पे मैं अभी अपना यहाँ पे फोटो देख रहा हूँ कि फोटो कैसा एडिट होता है। एक मिनट, थोड़ी रिजोल्यूशन अजीब लग रही है मुझे डिस्प्ले की, बट बाकी सब तो एकदम खतरनाक है, लाइक लैग भी नहीं होता है, इजीली हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे चीजें। ये देखो आई थिंक अगर मैं यहाँ पे यूजफुल कर देता हूँ सपोज, ठीक है हो रहा है भाई आराम से हो रहा है चीज, लाइक सीरियसली एडिटिंग वगैरह इजीली हो सकती है, मुझे लगा नहीं था फोटो वीडियो एडिटिंग इसमें हो पाएगी, बट इतने सस्ते लाइक कम प्राइस के लिए दोनों भी चीजें इजीली हो रही है, काफी बड़ी बात है। गाइस इस वाले पीसी में देखो आराम से भाई रिकॉर्डिंग वगैरह 1080p के 4K में भी हो सकते हैं इजीली, देखो रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग वगैरह सब कुछ हो सकता है, एंड ओके लाइट्स वगैरह लगाई तो और भी बेटर हो जाएगा। उस वाले पीसी में 4K वगैरह स्ट्रीमिंग वगैरह तो पॉसिबल नहीं है, लाइक पॉसिबल है बट बहुत लो क्वालिटी पे, यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह इजी है काफी ज्यादा ही, एंड प्लस भाई एडिटिंग तो मैं सच्ची बोलता हूँ, ठीक है लेकिन वो तो आप कुछ भी चीज एडिट कर सकते हो, होनी भी चाहिए ऐसा नहीं, मतलब अजीब लग गया अगर नहीं हुई है तो। ये देखो गाइस यहाँ पे आराम से इसका लाइक एडिटिंग वगैरह देखो क्या तेजी से हो सकता है भाई, लाइक अगर एकदम सीरियस एडिटिंग करनी तो ये सही है, बट वो वाले पीसी पे लाइक पैसा कमाना है किसी को उतनी एडिटिंग तो आराम से हो सकती है। यहाँ पे जो वेबकैम भी लगाया ना ये लॉजिटेक का 4K वाला वेबकैम है भाई, इसके प्राइस ये है 20,000 का लगभग, तो पूरे 25,000 नहीं अभी थोड़ा सस्ता हो गया ये 21-20,000 में आ जाता है, पूरे पीसी जितना इसका प्राइस है वेबकैम का सिर्फ, मतलब कि उस हिसाब से वो वाला पीसी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ओके इस वाले में भी भाई एडिटिंग तो ऑब्वियसली हो जाएगी, इजी है काफी ज्यादा, इसे अभी लैग ना होगा कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, इवन जनरेटिव फील आता है वो भी कर सकते हैं। फोटोशॉप का कुछ मैं चीज ऐड करके देखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कुछ UFO ऐड करता हूँ क्या होता है। ओह एक्चुअली मैं काफी अच्छा UFO ऐड हो गया, ये एक्चुअली यूज भी कर सकता हूँ मैं, एक्चुअली थंबनेल में रख सकता हूँ, इतना खतरनाक UFO ऐड हो गया, एक्चुअली अच्छी बात है। चलो इस वाले ऑब्वियस सी बात है भाई सब कुछ एडिटिंग रिकॉर्डिंग सब कुछ होता है, और कैसे इस वाले पीसी में भी भाई लिटरली बोलता हूँ प्राइस टू परफॉर्मेंस अगर मैं देखूंगा तो भाई इसका प्राइस टू परफॉर्मेंस काफी खतरनाक है, क्योंकि गेम्स चल जाती है इसमें लाइक माइनक्राफ्ट वगैरह ऐसी गेम तो ऐसे ही चल जाएगी, CS वगैरह ये वाली, बट रिकॉर्डिंग साथ में करना थोड़ा मुश्किल है, बट बाकी वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है फोटो एडिटिंग कर दिए सही चल रहा है काफी ज्यादा। लेकिन ये जो कीबोर्ड वगैरह ठीक है इनकी मुझे बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ऐसा लग रहा है अगर मैं थोड़ा सा ऐसा ये करूंगा ना ये देख ऐसा लग रहा है टूट सकता है, ठीक है
हाँ माउस अच्छा है, माउस एंड हेडफोन्स ये बहुत बढ़िया है। प्लस ये वाला पीसी दिखने में आई थिंक कुछ, भाई दिखो ही मत, दिखने का इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इन लोगों ने एक आरजीबी लाइट दिए, ये अच्छी बात है। मॉनिटर मुझे बिल्कुल भी पसंद आया, क्योंकि ये देखो ऐसे ऐसे होना बहुत ज्यादा, तो अगर आपका मॉनिटर देखे ना ये चीजें पड़े तब ऐसा प्री बिल्ड लेना बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि मतलब प्राइस के लिए सही आ रहा है, लेकिन ये वाला मतलब स्पेशली लाइक ये हम लोगों ने सबसे सस्ता वाला देखा था सिर्फ कंपेरिजन करने के लिए ये वीडियो के लिए। अगर आपको भी ये वाला वीडियो पसंद आ गया तो भाई ऐसे ही और भी खतरनाक वीडियो आते रहेंगे, लाइक देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।